नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, मैं रणवीर सिंह हूं। देखिए, मैं आ गया हूं फिर एक रिक्रूटमेंट के साथ। रिक्रूटमेंट देखिए एपीआरओ का, एपीआरओ मतलब सहायक जनसंपर्क अधिकारी की, यहां पर देखिए भर्ती विज्ञापन जारी किया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। इस पूरे वीडियो में मैं इसमें बात करने वाला हूं। जो भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि भर्ती से संबंधित हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, इसमें मैं आपको मुख्य मुख्य जानकारी दूंगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट का वहां से लिंक पाएंगे और वहां इसका पूरा विज्ञापन डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। और जो आपके कैटेगरी वाइज जो नॉर्म्स हैं, जितनी छूट आपको मिलती है वो वहां पर आपको मिलेगी। बाकी फीस के वगैरह में और आपको क्वालिफिकेशन क्या है, कितने इसमें पद हैं, उस पर हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी के जो 76 पदों पर देखिए यहां पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उसके लिए आपको सबसे पहले बता दूं कि 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच यहां पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। और देखिए, इसमें एक वीडियो हमने पिछला और डाला था जो मोटर वाहन परीक्षक का, उसका भी देखिए यही सेम डेट है और सेम उसमें जो टर्म कंडीशन है वो थोड़ा सा उनमें चेंज है, ज्यादा नहीं है। बाकी आगे चलता हूं। देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 76 पद है और अनुसूचित क्षेत्र में यहां पर कोई पद नहीं है। एपीआरओ का सहायक जनसंपर्क अधिकारी, ठीक है, ये राजस्थान सरकार में काम करते हैं। देखिए, यहां पर एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष आपकी एज दी गई है। इसकी गणना 1 जनवरी 2022 को होगी। और एक विशेष बात बता दूं कि 2022 के बाद ये वैकेंसी आई नहीं थी, तो यहां पर सभी अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार आपको छूट मिलेगी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी है। अब यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए यहां पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए यहां पर ग्रेजुएशन यहां पर दिया हुआ है, लेकिन साथ में देखिए यहां पर उसके समतुल्य किसी भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र कार्यालय में या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के जनसंपर्क विभाग में पत्रकारिता का 3 साल का आपको अनुभव चाहिए। कहेगा पत्रकारिता का, या फिर पत्रकारिता में देखिए आपको यहां पर डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता है। जो हिंदी और अंग्रेजी में जो स्नातक डिग्री धारक हैं उनको यहां पर अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। और देवनागरी लिपि और भारतीय संस्कृति, व्यावहारिक ज्ञान, कला संस्कृति का आपको नॉलेज होना चाहिए, यहां पर ये क्वालिफिकेशन है। फीस आपकी मैं बता दूं, फीस देखिए सामान्य वर्ग के लिए 450 रूपये है और ओबीसी के लिए 350 है, और देखिये एससी एसटी के लिए यहां पर 250 रूपये है। बाकी 2.5 लाख से जिनकी कम आय उनके लिए भी यहां पर 250, चाहे वो कोई भी कैटेगरी में हो, ठीक है। आगे देखिए पूरा डिटेल्स आपको जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर पूरा विज्ञापन पढ़ने को मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको जो सैलरी की बात कर देता हूं, देखिए यहां पर जो सैलरी है वो पे मैट्रिक लेवल 10 के अनुसार यहां पर सैलरी दी गई है। कहां है 5वां नंबर, ये आ गया। देखिए, पे मैट्रिक लेवल 10 के आधार पर आपको यहां पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी को ट्रेनिंग है, लेकिन 2 साल का जो आपका प्रोविजन पीरियड है उसके बाद आपकी सैलरी पूरी होगी। तो इस पूरे वीडियो में मेन जानकारी यही थी, आपको इसमें फॉर्म कैसे भरना है वो आपको एसएसओआईडी से आपको फॉर्म भरा जाएगा। एसएसओआईडी नहीं है तो आप एसएसओआईडी बना सकते हैं। फिर आप तो एक भर्ती विज्ञापन के साथ भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ अधिक जानकारी के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।